नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बीफा अवार्ड शो के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी बीफा अवार्ड शो होने जा रहा है बिहार के पटना में। जी हाँ दोस्तों, हमको लग रहा है कि ये दूसरी बार हो रहा है बिहार में अवार्ड शो, और इस अवार्ड शो में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार लोग जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, प्रदीप पांडे चिंटू जी और भी बहुत सारे कलाकार लोग वहां पे जाने वाले हैं। मनोज टाइगर, शिल्पी राघवानी, यानी बहुत सारे कलाकार और एक्ट्रेस लोग जाने वाली हैं बीफा अवार्ड शो में पटना। लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इस अवार्ड शो में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा उम्मीद है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इस अवार्ड शो में नहीं जाएंगे, क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का अलग से पोस्टर नहीं बनाया गया है। बाकी सभी लोगों का बनाया गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। टुनटुन यादव, कल्लू, यानी तमाम एक्ट्रेस और एक्टर लोग जाने वाले हैं, और बॉलीवुड के भी बहुत सारे कलाकार लोग इस अवार्ड शो में जाने वाले हैं। और बीफा अवार्ड शो होने वाला है 25 तारीख को पटना में, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, पोस्टर में डेट और टाइम दिया हुआ है। बाकी 25 तारीख को देखा जाएगा किसको कौन सा इस बार अवार्ड मिलता है। हाँ एक बात और, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नहीं जाने का कारण हमको यही लग रहा है, व्यस्तता। क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इस समय व्यस्त हैं अपनी नई फिल्म के शूटिंग में। खेसारी लाल यादव व्यस्त हैं, वहीं पवन सिंह अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर व्यस्त हैं। हाँ तो दोस्तों, ये रहा अवार्ड शो का अपडेट। आप सभी को कैसा लगा मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।